أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام अला रसूलिहि नबील अमीन वाला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा व फिल हदीस सही अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल वउदुल मरीद व फी रिवायतिन व इज़ा मरीदा फउदुहु और कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हुकूक़ फ़राइज़ सीरीज़ में आप तमाम का इस्तक़बाल है। बात चल रही थी आम मुसलमानों के आम हुकूक़, मुसलमानों के आपस में जो हैं जो आम हुकूक़ बताए गए हैं माशरती ज़िंदगी में, जिसका अदा करने पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है। उन्हीं हुकूक़ में से एक अहम हक़ जो है, अगर कोई मुसलमान बीमार हो तो उसकी इयादत की जाए। इयादत के सिलसिले में पिछले दुरूस में जो है मरीज़ के हुकूक़ के सिलसिले में तफ़सीली बातें जो है हमने आपके सामने जिक्र की थी। यहाँ मुख्तसर मैं इशारा करके अपनी बात को जो है ख़त्म करूँगा कि मरीज़ की इयादत देखिए इज्तिमाई और माशरती ज़िंदगी की एक अहम ज़रूरत है। आपस में एक दूसरे का ताउन करना, गमखारी करना, इस पर अल्लाह के नबी सास ने हमें उभारा है। तो बीमार की इयादत करना, उसकी तीमादारी करना एक माशरती हक़ और बाहमी हकूक़ में शामिल है। इसी तरह जो है आखिरत की याद दहानी का एक अहम ज़रिया है। इंसान जब बीमार होता है, कमज़ोर होता है, हम दूसरों को देखते हैं कि कमज़ोरी लाहिक होती हैं और वो कभी बाज़ बीमार ऐसे होते हैं कि मौत के बिल्कुल करीब चले जाते हैं। इससे इंसान जो है अगर गौर करे कि मैं भी अगर बीमार रहूं तो मेरे साथ भी ये मामला हो सकता है। यहाँ इंसान को जो है ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होता है, मौत के आगोश में जो है चला जाता है। तो ये आखिरत की याद दहानी का एक अहम ज़रिया भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही जामे सगीर में ज़िक्र किया है, हदीस नंबर 4109 में। अल्लाह के नबी सास ने इस बात का हुक्म दिया कि बीमार की इयादत करो और जनाजे के साथ जाओ। अल्लाह के नबी सास ने आखिर में कहा यह चीज़ तुम्हें आखिरत की याद दहानी कराएगी। तो आखिरत की याद दहानी इंसान को होती है। इसी तरह देखिए बीमार के सिलसिले में, उसकी इयादत के सिलसिले में उसकी फ़दीलत भी अल्लाह के नबी सास ने बताई। जब फ़दीलत हमारे जहन में हो तो इंसान जो है इस काम को करेगा। अगर इंसान ये फ़रिश्तों की दुआओं का जो है अहम ज़रिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत के लिए अगर सुबह में जाता है तो शाम तक जो है 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, और अगर शाम को जाता है तो सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते जो हैं उसके लिए दुआएँ मगफिरत करते हैं। सहीहुल जामे सगीर के सहीहुल जामे तिर्मिज़ी के जो है सही रिवायत है, जिसको अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है सही करार दिया है। इसके अलावा बहुत सारी जो है अहादीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़दीलत में जो है साबित हैं। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की इयादत के लिए जाया करते थे। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मशहूर रिवायत सही बुखारी में। इसी तरह अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़िया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए जो है जब बीमार थे वो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनकी इयादत की है। इसी तरह दीगर ज़ैद बिन अरकम और दीगर सहाबा का जिक्र आता है। साद बिन अबी वक़ास का रज़ी अल्लाह तआला जो फ़तेह मक्का के मौके पर जो है बीमार थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इयादत की। हत्ता कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों की इयादत के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते। उस यहूदी लड़के का मशहूर वाक़िया, सिर्फ मैं इशारा करके अपनी बात को ख़त्म करूँ कि अल्लाह के नबी की जो खिदमत किया करता था जब बीमार हुआ, अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मशहूर रिवायत, अल्लाह के नबी उसकी इयादत के लिए गए और आपने मौके को गनीमत जाना, उसको इस्लाम की दावत दी। आखिर में उसकी जब रूह जो है परवाज़ हुई तो उसने इस्लाम कबूल किया, कलिमा उसने पढ़ लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया, उसको हिदायत दी। तो इस तरह ये कई वाक़ियात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वारिद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल किया, सहाबा को इस पर उभारा। और देखिए बीमारी एक ऐसा मरहला है इंसान की ज़िंदगी में कि इंसान बीमार होकर जो है बहुत कभी मायूस हो जाता है इंसान, तो उसको तसल्ली की ज़रूरत पड़ती है। गमखारी खैरखाई का ज़्यादा जो है मुस्तैक रहता है
और इस मौके को गनीमत जानना चाहिए। मौके को जो है गनीमत जानकर अगर किसी गैर मुस्लिम को हम दावत देते हैं तो हो सकता है इस्लाम कबूल कर ले। इसी तरह कोई हमारे रिश्तेदार हैं, कोई जो पड़ोसी हैं या कोई भी आम मुसलमान हैं, उसकी इयादत के लिए जाएं, इस हालत में जो उसको तसल्ली दें। और अगर उसके पास कुछ शरी मुखालफतें पाई जाती हैं शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम, उसको नसीहत करें। इस मरहले में जो है नसीहत इंसान कबूल करता है, इंसान जो है नसीहत कबूल करता है, उसको तौबा इस्तिगफार पर उभारें, अल्लाह से हुस्न ज़न पर उभारें। ये चीज़ें जो है बहुत मुफीद होती हैं हमारे लिए भी और उनके लिए भी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में जो भी बातें हमने सुनी हैं अल्लाह ताला जो है अमल की सआदत नसीब फरमाएं। जो भी हमें से बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए आजिला दाइमा कामिल अल्लाह नसीब फरमाएं। अल्लाह ताला माशरती हुकूक़ जो भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ने बताए हैं अल्लाह ताला कमा हक़ उन हुकूक़ को अदा करने की सआदत अल्लाह नसीब फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।